नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आज जानेंगे हम लाजवंती के बारे में। गजब की औषधि है छुई मुई यानी कि लाजवंती। आइए हम जानते हैं कैसे करती है ये रोगों को छूमंतर। लाजवंती नमी वाले स्थानों में ज़्यादा पाई जाती है। इसके छोटे पौधे में अनेक शाखाएँ होती हैं। इसका वानस्पतिक नाम माइमोसा पुदीका है। संपूर्ण भारत में होने वाला यह पौधा अनेक रोगों के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इनके पत्ते को छूने पर ये सिकुड़कर आपस में सट जाती हैं। इस कारण इसे लजौली नाम से जाना जाता है। इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं। लाजवंती का पौधा एक विशेष औषधि पौधा है। इसके गुलाबी फूल बहुत सुंदर लगते हैं और पत्ते तो छूते ही मुरझा जाते हैं। इसे छुई मुई भी कहा जाता है। आप इसे छूने जाइए, इसकी पत्तियां शर्मा कर सिकुड़ जाएंगी। अपने इस स्वभाव की वजह से इसे शर्मिली के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा आदिवासी अंचलों में हर्बल नुस्खों के तौर पर अनेक रोगों के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए आज हम इसके औषधीय उपयोग के बारे में जानते हैं। पातालकोट के आदिवासियों के अनुसार छुई मुई की जड़ और पत्तों का चूर्ण दूध में मिलाकर दो बार देने से बवासीर और भगंदर रोग ठीक होता है। छुई मुई के पत्तों का एक चम्मच पाउडर दूध के साथ प्रतिदिन सुबह शाम लेने से बवासीर या पाइल्स में आराम मिलता है। गुजरात के जानकार छुई मुई की जड़ और पत्तियों का पाउडर दूध में मिलाकर दो बार देने से बवासीर और भगंदर जैसे रोग में आराम मिलता है। डांग में आदिवासी पत्तियों के रस को बवासीर के घाव पर सीधे लेपित करने की बात करते हैं। इनके अनुसार यह रस घाव को सुखाने का कार्य करता है और अक्सर होने वाले खून के बहाव को रोकने में भी मदद करता है। अगर खांसी हो तो लाजवंती की जड़ के टुकड़ों के माला बनाकर गले में पहन लो। ध्यान रखने वाली बात इसमें ये होनी चाहिए कि लाजवंती के जो टुकड़े हों वो आपकी स्किन को टच कर रहे हों, बस इतने भर से गला ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ घिस कर शहद में मिलाएं, इसको चाटने से या फिर वैसे ही इसकी जड़ चूसने से खांसी ठीक होती है। इसकी पत्तियां चबाने से भी गले में आराम मिल जाता है। यदि छुई मुई की 100 ग्राम पत्तियों को 300 मिलीग्राम पानी में डालकर काढ़ा बनाया जाए तो यह काढ़ा मधुमेह रोगियों को काफ़ी फायदा देता है। छुई मुई और अश्वगंधा की जड़ों को समान मात्रा में लेकर पीस लिया जाए और तैयार लेप को ढीले स्तनों पर हल्के हल्के मालिश किया जाए तो स्तनों का ढीलापन दूर होता है। स्तन में गांठ या कैंसर की संभावना हो तो लाजवंती की जड़ और अश्वगंधा की जड़ घिसकर लगाना चाहिए। छुई मुई की जड़ों का चूर्ण 3 ग्राम दही के साथ खूनी दस्त से ग्रस्त रोगी को खिलाने से दस्त जल्दी बंद हो जाते हैं। वैसे डांगी आदिवासी मानते हैं कि जड़ों का पानी में तैयार काढ़ा भी खूनी दस्त को रोकने में कारगर होता है। छुई मुई की पत्तियों और जड़ों में एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं जिनकी पुष्टि आधुनिक वैज्ञानिक भी करता है। और मजे की बात ये भी है कि आदिवासी अंचलों में हर्बल जानकार आज भी त्वचा संक्रमण होने पर इसकी पत्तियों के रस को दिन में 3 से 4 बार लगाने की सलाह देते हैं। टॉन्सिल्स होने पर इसकी पत्तियों को पीसकर गले पर लगाने से जल्द ही समस्या में आराम मिलता है। प्रतिदिन 2 बार ऐसा करने से तुरंत राहत मिल जाती है। जिन्हें गोइटर की समस्या हो उन्हें भी इस तरह का समाधान अपनाना चाहिए। डांग गुजरात में आदिवासियों के अनुसार 3 से 4 इलायची छुई मुई की जड़ें 2 ग्राम सेमल की छाल 3 ग्राम इन सबको आपस में मिलाकर कुचल लिया जाए और इसे 1 गिलास दूध में मिलाकर प्रतिदिन रात को सोने से पहले पिया जाए तो यह नपुंसकता को दूर कर देती है। बहुत ही कारगर दवा है ये।
नपुंसकता को दूर करने के लिए। हृदय या किडनी बढ़ गई हो तो उन्हें श्रिंक करना है तो इस पौधे को पूरा सुखाकर इसके पांचों अंगों फूल पत्ते छाल बीज और जड़ इन सब का 5 ग्राम 400 ग्राम पानी में उबाल लें। जब यह 1/4 रह जाए तो सवेरे इसे खाली पेट आप पी लें, आपको लाभ होगा। लाजवंती के पत्तों को पानी में पीसकर नाभि के निचले हिस्से में लेप करने से पेशाब का अधिक आना बंद हो जाता है। पत्तियों के रस की 4 चम्मच मात्रा दिन में 1 बार लेने से भी फायदा होता है। यह पौधा बहुत ही गुणवान है और बहुत ही विनम्र भी, तभी तो इतना शर्माता है। आप भी इसे लजाते हुए देख सकते हैं, बस अपने गमले में लगाइए और पत्तियों को छू भर के देख लीजिए। लेकिन ये जितनी शर्माती है उतनी ही ज़्यादा असरदार है और रोगों का समूल नाश करने में सहायक है। तो दोस्तों, हमने जो भी रोग बताए इनके लिए आप इस वीडियो को सुन करके याद रख लीजिए लाजवंती का नाम। अगर आप इसका ऐसे उपयोग करते हैं तो आप इन सारे रोगों से छुटकारा पा सकेंगे। मित्रों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।